नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक न्यूज के एक और फ्रेश एपिसोड में, और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत है सैमसंग की तरफ से, जहाँ पे सैमसंग ने अपना एंड्रॉइड गो वाला फोन जिसका नाम है आर्चोस, वो यूरोप में लॉन्च कर दिया है। इसकी प्राइस जो मतलब ये जो लॉन्च कर दिया है आर्चोस का जो फोन सैमसंग वालों ने लॉन्च किया है, जो इसकी कीमत रखी जाएगी वो $100 के नीचे होगी। अगर हम $100 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो 7,000 रुपीज़ के आसपास होगी, और ये भारत में भी मतलब वहाँ पे लॉन्च डेट के बाद कुछ ही दिनों में भारत में भी लॉन्च हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है जो इसके जो स्पेसिफिकेशंस है उसके हिसाब से इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस कीमत पे इससे अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ काफ़ी स्मार्टफोन भारत में अवेलेबल है। इसके स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें आपको मिल जाएगा बस 1 GB का रैम मिल जाएगा, और इस दो वेरियंट में आता है, एक है 8 GB और एक 16 GB। लेकिन जो 8 GB वाला वेरिएंट है उसमें 4G नहीं देखने को मिलेगा, तो आज के जमाने में 4G नहीं मिलेगा। तो और इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आपको इसमें सामने की तरफ मात्र में आपको 5 MP का कैमरा देखने को मिलेगा, और रियर में आपको 8 MP का कैमरा देखने को मिलेगा, और 2400 mAh का बैटरी, यानी कि आपका आधा दिन भी बैटरी नहीं चलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट आता है, वो आता है गूगल मैसेजेस को लेके, जहाँ पे कुछ ही दिन पहले गूगल मैसेजेस में डार्क मोड का फीचर आया था, और कुछ ही दिनों के बाद इससे ये जो डार्क मोड का फीचर था वो हट भी गया था। लेकिन अब गूगल वालों ने कहा है कि जो अब जो गूगल मैसेजेस में जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें इसका जो डार्क मोड का फीचर जो हटा दिया गया था वो फिर से आ जाएगा। तो अगर आप गूगल मैसेजेस यूज करते हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और क्या आपके लिए जो डार्क मोड है या ये क्या आपके लिए बेनिफिशियल होगा या फिर नहीं। आईफोन की तरफ से, जहाँ पे जो आईफोन का उसका अपना वर्चुअल स्पेस है जो कि आई क्लाउड, उसका जो 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री में रहेगा। बस ये जो ऑफर है ये बस यूएस में जो जितने भी आईफोन्स हैं बस उनके लिए है। उनको अब 2 महीनों के लिए मतलब बिल्कुल फ्री में वो आई क्लाउड का मजा ले सकते हैं, और अपना जो भी प्राइवेट डेटा है वो वहाँ पे आप अपना स्टोर कर सकते हैं। वो है LG V40 को लेके, और ये बताया जा रहा है कि ये जो LG V40 है वो ट्रिपल कैमरा के साथ लॉन्च हो सकता है, यानी कि उसमें जो रियर में होगा वो ट्रिपल कैमरा होगा और फ्रंट में 2 कैमरा होगा। और जो इसका लॉन्च डेट रखा जाएगा वो मतलब अक्टूबर के जो शुरुआती जो वीक आएगा उसी में ये लॉन्च हो सकता है। और ये बताया जा रहा है कि LG का सबसे प्रीमियम सेगमेंट वाला फ़ोन होगा, यानी कि LG का सबसे अभी तक का बड़ा फ़ोन होगा और सबसे प्रीमियम सेगमेंट का फ़ोन होगा। फ्लैगशिप फ्लेवर अपडेट आता है, वो आता है Vivo X23 को लेके, और ये बताया जा रहा है कि ये सितंबर के महीने में लॉन्च हो सकता है। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा 6.3 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाएगा, 19.5:9 का बॉडी इस टू स्क्रीन रेशियो मिल जाएगा, और ऊपर की तरफ बस एकदम छोटा सा वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाएगा, वरना फुल H2H डिस्प्ले ही रहेगा। इसमें आपको डुअल रेयर कैमरा मिल जाएगा, सिंगल फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन का 670 मिल जाएगा जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा, 8 GB का रैम मिल जाएगा, 128 GB का रोम मिल जाएगा। तो देखते हैं ये भारत में सितंबर में कब तक लॉन्च होता है और इसकी क्या प्राइस रहती है। यानी कि फाइनल अपडेट आता है, वो आता है वोडाफोन की तरफ से, जहाँ पे वोडाफोन अपना 3 नया प्रीपेड प्लान लेके आ चुका है। एक है प्लान 209 और दूसरा है 479 और तीसरा है 529, और आपको 209 वाले प्लान में मिलेगा आपको 1.5 GB डेटा पर डे, 100 SMS पर डे और अल्टीमेट कॉल्स, और आपको 479 वाले प्लान्स में मिलेगा 1.5 GB डेटा पर डे, अल्टीमेट कॉल्स, 100 SMS पर डे 84 दिन के लिए, और 529 वाले प्लान में मिलेगा आपको 1.5 GB डेटा पर डे, अल्टीमेट कॉल्स और 100 SMS पर डे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।